सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 16th of August 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज एमओयू साइन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स सी, विच इज 12th of August। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे एमओयू साइन किया गया किस चीज़ के लिए? आयुष को यहाँ पे पूरा मिलिट्री बोल रहा हूँ, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और साथ ही में यहाँ पे डिजिटलाइजेशन ऑफ आयुष सेक्टर। ओके, जितना भी हेल्थ सेक्टर है उसको डिजिटलाइज करने के लिए और साथ ही में उसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, अंडर किसके अंडर कर रहे हैं इसको? डिजिटल इंडिया के अंडर इसको पूरा यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है। साथ ही में यहाँ पे जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज अभी आई हैं उनको भी यहाँ पे अडॉप्ट करेगा, लाइक जो हमारा पूरा हेल्थ सेक्टर है उसको यहाँ पे मतलब पूरा डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे किया गया। साथ ही में जितना भी यहाँ पे नए नए इक्विपमेंट्स आए हैं या फिर जितने भी नए नए यहाँ पे रिसर्चेस, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, एजुकेशन एंड ड्रग्स लाइसेंसिंग, जितनी भी चीज़ें ये सब आती हैं हेल्थ केयर के अंदर, उन सबको यहाँ पे अपडेट अप टू डेट रहने के लिए ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू साइन किया गया, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट और काफ़ी एक अच्छा स्टेप लिया गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ लॉन्च द स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली? राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स ए, विच इज विजेंद्र कुमार। इसको लाइक इनका पूरा नाम डॉक्टर विजेंद्र कुमार है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के ये मिनिस्टर हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट स्माइल का यहाँ पे पूरा आपको फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिख दिया, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमारी जितनी भी सिटीज़ हैं, टाउन है या फिर जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एरियाज़ हैं, वहाँ पे जितने भी बैगर्स हैं उनको यहाँ पे हटाने की बात की गई है। यहाँ पे बैगर फ्री जोन बनाना है और जितने भी यहाँ पे बैगर्स होंगे उनको यहाँ पे रिहैबिलिटेशन या फिर उनको एक पूरा घर वगैरह प्रोवाइड करना। ओके, साथ ही में उसके साथ उनको बेसिक जितनी भी नीड्स है, ओके वेट अ सेकंड, बेसिक नीड्स जितनी भी है लाइक हेल्थ केयर हो गया, इसके अलावा एजुकेशन हो गया और जितनी भी चीज़ें आती हैं इसके अंडर, वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करना है। इसके अलावा यहाँ पे लाइक स्किल डेवलपमेंट भी एक यहाँ पे ऑप्शन है, साथ ही में काउंसलिंग भी है, अवेयरनेस भी है, एजुकेशन तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और साथ ही में उनको इकोनॉमिकली भी वेल डेवलप बनाना है। ओके, इस चीज़ के लिए यहाँ पे किया गया। साथ ही में यहाँ पे जितने भी लाइक यहाँ पे अराउंड 100 करोड़ रुपीज़ को यहाँ पे लाइक सेंक्शन किया गया इस पर्टिकुलर स्कीम को यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए, एंड साथ ही में यहाँ पे अराउंड मोर देन लाइक जो ये 100 करोड़ रुपीज़ है, 100 करोड़ है, इसको 2025 से लेकर 26 तक कंप्लीट कर देना है, और जितने भी लाइक यहाँ पे अराउंड 75 अलग अलग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साथ ही में एनजीओस के साथ मिलकर ये पूरा किया जाएगा। ओके, तो ये जितने भी 75 है इसमें 5 साल के अंदर जितने भी बेगर फ्री जोन्स को यहाँ पे क्रिएट कर दिया जाएगा, जितने भी बेगर होंगे उनको वहाँ पर से हटा करके उनको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करने की बात की गई है। ओके, और स्किल डेवलपमेंट अगर हो जाएगा तो भाई उनकी तो लाइफ मतलब बढ़िया हो जाएगी। ओके, दे विल गेट द जॉब एंड विद दैट दे आर नॉट गोइंग टू आस्क फॉर लाइक दे आर नॉट गोइंग टू बैग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज़ एडेड हाउ मेनी वेटलैंड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट टू मेक टोटल 75 रामसर साइट कवरिंग द एरिया ऑफ 13,26,677 हेक्टेयर्स। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स बी, विच इज 11। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कई सारे रामसर साइट्स हैं लेकिन यहाँ पे 11 और जुड़ गए हैं, और अभी हमारे पास इंडिया में पूरे 75 रामसर साइट्स हैं। 75 से एक चीज़ और याद रखिएगा, 75th इंडिपेंडेंस डे। ओके, साथ ही में यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि एशिया में सबसे ज़्यादा किसके पास है? इंडिया के पास है रामसर साइट। ओके, रामसर साइट्स किस लिए होते हैं? तो बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो जितना भी यहाँ पे लाइक जो हमारा बायोडाइवर्सिटी या फिर इन्वायरमेंट है उसको यहाँ पे कंजर्व करने के लिए रामसर साइट्स को बनाए जाते हैं। यहाँ पे ये कुछ स्पेशल राइट इसको यहाँ पे मिल जाते हैं, लाइक काफ़ी प्रिविलेज मिल जाता है, और यहाँ पे लाइक पोचर्स हंटर्स वगैरह अलाउ नहीं होते। ओके, इनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता, और काफ़ी मतलब एक इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वहाँ पे कुछ स्पेशल काइंड ऑफ स्पीशीज़ भी आ जाती है, जितने भी इंडेंजर्ड लाइक कोई भी स्पीशी है वो भी वहाँ पे रहती है, तो उनको यहाँ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही में जो ये 11 है यहाँ पर 4 जो है वो तमिलनाडु से हैं, 3 ओरिसा से, 2 यहाँ पर J&K से, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है, और 1 महाराष्ट्र और 1 मध्य प्रदेश से। ओके, आप लोग नाम चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये काफ़ी अच्छी बात है। 2022 में हमने यहाँ पे 28 न्यू अलग अलग लाइक यहाँ पे रामसर साइट्स हमने बनाई हैं, और बहुत सारी तो इसमें मतलब इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का मतलब कि जो दूसरी कंट्री के लोग हैं वो भी इसमें काफ़ी मतलब लाइक रुचि रखते हैं, जो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स वगैरह होंगे उनको वो लोग कंजर्व करना चाहते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, इसलिए इसको इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा मिल जाता है।
Next question is, who is unveiled India's first saline water lantern, which used the sea water to power the specially designed LED lamps? Right answer of fourth is, it's D, which is Dr. Jitendra Singh. So, Union Minister of State and Science and Technology. ये मिनिस्टर है, ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी याद रखिएगा. साथ ही में इंडिया का फर्स्ट सेलीन वाटर लांटेन है और ये सी वाटर यहाँ पे यूज करेगा पावर जनरेशन के लिए. एंड साथ ही में इसके थ्रू यहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ एलईडी लैंप यहाँ पे लिख किया जाएगा. ओके, इसको आप लोग कह सकते हो कि ये पीएम उज्ज्वला स्कीम जो है, उज्ज्वला स्कीम, उसको यहाँ पे काफी ज्यादा बूस्टअप मिलेगा. साथ ही में इसको बनाने में किसने इसकी हेल्प की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने मिल करके यहाँ पे इसको बनाया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. एंड इसके थ्रू जितने भी हमारी फिशरीज के जितने भी लोग हैं, लाइक जो फिशरी वाला सेक्टर है, उसको काफ़ी बूस्टअप मिलेगा. एक चीज़ हमें याद देखने की बात है कि जो हमारा पूरा कोस्ट लाइन यहाँ पे बना हुआ है, जो पूरा कोस्ट लाइन है वो अराउंड यहाँ पे 7500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है. किसके पास? इंडिया के पास. और इसके थ्रू कई सारे लाइक 50 से 60 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कोस्टल लाइन्स. और लाइक डायरेक्टली तो भाई मतलब डायरेक्टली भी हैं और इनडायरेक्टली लैक के अंदर आते हैं, लाइक इवन यू कैन से कि वो करोड़ों में टच कर जाते हैं. ओके, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है. और कोस्ट लाइन या फिर जो मैरीन लाइन है, मैरीन जो वाटर है बॉडी, वहाँ से कई सारे मतलब बेनिफिट्स भी मिलते हैं इंडिया को एंड बढ़िया रहता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट वन MLA वन पेंशन स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड? राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज, इट्स ए, विच इज़ पंजाब. ओके, तो हमारे जो CM साहब हैं भगवत मान सिंह, जो कि पंजाब से बिलोंग, लाइक पंजाब के CM हैं, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे लाइक जो बिल इंट्रोड्यूस किया था वो पास कर दिया गया. और यहाँ पे बोला गया कि भाई विद दिस हम लोग यहाँ पे 100 करोड़ रुपए बचा पाएंगे हर 5 साल पे. ओके, और हर साल यहाँ पे अराउंड 20 करोड़ रुपीज़ बचेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि अब जो भी यहाँ पे MLA बनेगा उसको एक ही बार पेंशन मिलेगा. लाइक अगर आप 5 बार MLA बनते हो, लेकिन इससे पहले क्या होता है, या फिर दूसरे स्टेट्स में क्या होता है, अगर आप 5 बार MLA बने तो आपको 5 अलग अलग बार यहाँ पे पेंशन मिलेंगे, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है, आपको एक ही बार मिलेगा और 60,000 रुपये मिलेंगे प्लस DA मिलेगा, डी एर्नेंस अलाउ. आप कितनी बार भी MLA बन जाएंगे मैटर नहीं करता, आपको 60,000 ही मिलेगा यहाँ पे बताया गया. और इसके तहत यहाँ पे 20 करोड़ रुपये बचेंगे हर साल के हिसाब से. ओके, ये एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे लाइक रेवोल्यूशन है एंड ये काफ़ी बड़ा रिफॉर्म है किसमें, पॉलिटिकल सिस्टम में. इसके थ्रू लिटरली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट जो है वो बचेगा. और यहाँ पे एक जो यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी बोला कि अब जो भी यहाँ पे लाइक सीधा उन्होंने क्या बोला, मैं यहाँ बता देता हूँ, नो मोर फ्री की रेवड़ी फॉर नेता. ओके, ये भी याद रखिएगा, बिकॉज जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं उनको कई सारे लाइक बहुत ही हाई लेवल की प्रिविलेजेस मिलती हैं और मतलब इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं कि लाइक हमें एक वीडियो में बता नहीं पाऊंगा, उसके लिए काफ़ी लंबी वीडियो बनानी पड़ती है. ओके, तो मिलती है उसको यहाँ पे धीरे धीरे कम करने के लिए बात की गई है और उनको बहुत ही नॉर्मल रहने के लिए बोला गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज फेमस ब्रांड ऑफ कॉफी एंड बेकरी प्रोडक्ट टिम हॉर्टन हैज ओपनड आउटलेट इन इंडिया रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ सिक्स इज, इट्स बी, विच इज कैनेडा. तो ये कैनेडा से ये बिलोंग करता है और ये इंडिया में अभी 2 अपने आउटलेट्स जो है या फिर शॉप जो है वो खोल चुका है, एक न्यू दिल्ली में एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक पंजाब में. ओके, एक्सेप्ट दैट इन्होंने बोला है कि लाइक हम लोग 3 साल के अंदर यहाँ पे 120 अलग अलग शॉप्स यहाँ पे ओपन करने वाले हैं और यहाँ पे 240 मिलियन रुपीज़ भी ये लोग इन्वेस्ट करेंगे. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो इंडिया का जो मार्केट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और काफ़ी बिग मार्केट है और हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे. इफ़ अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अराउंड मोर देन 1500 लोगों को यहाँ पे यहाँ पे डायरेक्टली जॉब प्रोवाइड होगा और इनडायरेक्टली यहाँ पे 5000 भी जा सकते हैं. ओके, साथ ही में इंडिया का इकोनॉमी जो है वो भी यहाँ पे डेवलप करेगा, साथ में लोगों को जॉब्स भी मिलेंगे जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे. एंड यहाँ पे इंडिया का जो अपना जो इंडिया का कॉफ़ी मार्केट जो है वो बोला गया कि भाई 2025 तक $4.2 बिलियन का बन जाएगा. ओके, साथ ही में बोला गया कि भाई अभी तो हम इसको सिर्फ मतलब न्यू दिल्ली पंजाब में किया है, जब इसके बाद यहाँ पे NCR के रीजन में करेंगे और जितने भी टायर टू और टायर थ्री जो सिटी है उसमें हम लोग करेंगे. ओके, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली पवन कुमार बोरथा ठाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज, इट्स बी, विच इज असम. तो ये जो है ये हमारे भाई साहब, ये एक IAS ऑफिसर हैं 1989 बैच के एंड इन्होंने अभी चार्ज नहीं लिया, 31st of August से चार्ज लेंगे. इससे पहले ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे किसके, असम के, और अभी मतलब 31st से ये बन जाएंगे असम के चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इस तरीके के वन लाइनर क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके,
Next question is, according to the recently released report, who is on top term of holding cryptocurrency? So right answer of 8th is A, which is Ukraine. Okay, so Ukraine yahan pe number 1 pe hai, number 2 pe yahan pe Russia hai, number 3 pe yahan pe Venezuela hai, number 4 pe Singapore, 5 pe Kenya, नंबर नाम लिख रहा हूँ ठीक है, लाइक वेनेजुएला के बाद यहाँ पे सिंगापुर है, इसके अलावा फिर केनिया है पांचवें नंबर पे, सिक्स नंबर पे यूएस है और सेवन्थ नंबर पे यहाँ पे अपना इंडिया आता है. ओके, यहाँ पे 7.3% के आसपास हम लोग ओन करते हैं पूरे क्रिप्टो करेंसीज को, एंड ये ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे बनाया हुआ, लाइक टॉप 20 में हम लोग आते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है. एंड इसके अलावा आपको याद रखना है कि लाइक क्रिप्टो करेंसी में इंडिया में अभी 30% का टैक्स लगता है. ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि काफ़ी मतलब न्यूज़ में रहा था, अप्रैल से यहाँ पे बोल दिया गया था, अप्रैल जुलाई से यहाँ पे ये इंप्लीमेंट हो जाएगा. ओके, और ये हो भी रहा है, लाइक पीपल आर पेइंग देयर टैक्स 30%. ओके, ये क्वेश्चन याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनीषा कल्याण हु हैज़ सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स ए, विच इज फुटबॉल. तो यहाँ पे मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री जी जो हैं यहाँ पे ये फीमेल फुटबॉल ऑफ द ईयर हैं और ये मेल फुटबॉल ऑफ द ईयर बन चुकी हैं. ओके, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा. सुनील छेत्री जो हैं वो इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं और मनीषा कल्याण का मुझे कंफर्म नहीं पता कि वो मतलब लाइक शी इज प्लेइंग फुटबॉल, बट ये नहीं पता कि लाइक वो कैप्टन है कि नहीं, आप लोग ये चेक कर लीजिएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एज अ फ्लैग बीरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ CWG 2022? राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स बी, विच इज सारथ कमल एंड निखत जरीन. तो ये जो है वो मेल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो है ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही हैं. ओके, इसके अलावा ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने चार मेडल जीते हैं किसमें, इसके अंदर. ओके, निखत जरीन तो भाई गोल्ड मेडल लेके आई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें, लेकिन इन भाई साहब के ऊपर यहाँ पे बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बात करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वॉन द लास्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ 2022? राइट आंसर ऑफ 11th इज इट सी, विच इज सारथ कमाल. ओके, सारथ कमाल जो है वो यहाँ पे टेबल टेनिस के यहाँ पे प्लेयर हैं. ओके, इसके अलावा इन्होंने लाइक चार मेडल्स जीती हैं किसमें, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में, और इस चार में से तीन गोल्ड है. तो सोच सकते हो कि लाइक हाउ मच पोटेंशियल ही इज हैविंग. इनकी उम्र 40 ईयर्स है और इन्होंने ये भी बोला कि लाइक जो एज है जो वो एक सिर्फ नंबर है और इसके अलावा वो मैटर नहीं करता. और इन्होंने मतलब लिटरली काफ़ी मतलब हार्डवर्क किया था इस जगह पहुंचने के लिए और ये काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर रह चुके हैं. ओके, नाइस. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑफर 5G टेस्ट बेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्टार्टअप एंड MSME फॉर हाउ मेनी मंथ्स? राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स डी, विच इज 6 months. ओके, तो यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने MSME और स्टार्टअप को यहाँ पे एक 6 months का टाइम दिया है कि आप 5G जो है इंडिजीनियसली 5G जो है उसको आप यूज़ करिए और अपने आप को बूस्टअप करिए. ओके, साथ ही में बोला गया कि भाई जो हमारा 5G है उसको आप यूज़ करके नई टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ पे इन्वेंशन या फिर ईजाद करिए और साथ ही में उसको यूज़ करके जो टेक्नोलॉजी है उसको आगे बढ़ाइए. ओके, और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे 5G के अलग अलग अल्टरनेटिव हो सकते हैं वो भी आप लोग फाइंड आउट करिए और इसका बेहतरीन उपयोग जो है वो मतलब बेस्ट यूज़ जो है उसको यहाँ पे आप लेके आइए फॉर द पीपल. ओके, यहाँ पे हमारा टेक सेक्टर है वो यहाँ पे बूस्टअप होगा, इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं साथ देने वाला है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी यहाँ पे डेवलप करेगा, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है. ओके, 5G जो है वो अभी आया नहीं है ठीक तरीके से, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगस्त के एंड तक यहाँ पे 5G जो है वो आ जाएगा विद देयर प्लान्स. ओके, जो भी यहाँ पे प्लान्स होने वाले हैं उनके साथ ही आ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. और दोज हु वांट टू एंजॉय 5G डेफिनेटली कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा. ओके, एंड थैंक यू गाइस. ओके.